अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग के यहाँ सब ठीक ठाक होंगे, सब फ्रेश होंगे। तो आज हम बना रहे हैं गर्दनों का सालन, जो आप लोग मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने गर्दनें ली थी तो मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया है, देखें बहुत अच्छे से मैंने धो लिया है। और मैंने एक पैकेट मसाला लिया है, सालन वाला मसाला, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। तो मैंने सालन वाला लिया, और मैंने एक किलो दही लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट है, दो चम्मच लहसुन अदरक है। और ये मैंने लहसुन लिया था एक जवा, उसको मैंने कूट लिया। उसके मैंने इसके अंदर छः मैंने सब हरी लाइट हरी मिर्ची ऐड की थी, उसको मैंने कूट लिया। अभी हम बनाते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन तैयार करते हैं, आपको बताते हैं। देखिए मैं इसमें दही ऐड करूँगी सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही को हम अच्छे से इसमें फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई गुठलियाँ ना हो। देखिए मैंने सब दही इसमें ऐड कर दी, को हम देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी दही को, इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। मैं साथ में मसाले भी ऐड करती हूँ, आपको बताती हूँ। देखिए मैं सबसे पहले इसके अंदर मसाला ऐड कर रही हूँ, और साथ में लहसुन अदरक भी ऐड कर देंगे। देखिए लहसुन अदरक भी ऐड कर दिया, तो अच्छे से सब चीज़ें अभी मैं इसके अंदर ये लहसुन ऐड कर दूंगी और हरी मिर्ची। सब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक, नमक ऐड कीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं इसमें ऐड करी कुटी मिर्ची दो टीस्पून, और एक टीस्पून मैं इसके लाल मिर्ची पिसी भी ऐड करूंगी। और मैं इसके अंदर ऐड करी हल्दी, आधा टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी ऐड कर दी मैंने। मैं इसके अंदर सूखा धनिया और जीरा ऐड करूंगी, दो टीस्पून जीरा पाउडर पिसा हुआ, और एक टीस्पून धनिया पाउडर। देखिए एक टीस्पून मैं भर के ऐड करी इसमें, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सब मसालों को। देखिए इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद में इसको इसके अंदर गर्दने डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसका मैरिनेशन तैयार करके दे देंगे। और जब तक मैं प्याज कटिंग करूंगी तब तक के अच्छे से इसमें मसाला मिक्स हो जाएगा गर्दनों में। अब देखिए अब मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी, देखिए दो चमचे खाने वाले मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैंने सब अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर गर्दनें ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, अभी सब गर्दन में अच्छे से मसाला लग जाएगा। मैं इसको दूसरे चम्मच से मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ अभी। देखो मैं इसको मिक्स करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मैरिनेशन करके इसको रख देंगे एक साइड में, और जब तक अपना प्याज वगैरह कटिंग करते हैं ये भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा मसाला। पूरी गर्दन को अच्छे से हम मसाला लगा देंगे। देखिए अच्छे से लग गया ना सब मसाला, इसको अभी हम कवर करके रख देंगे। देखिए 6 अदद मैंने प्याज लिए, इनको मैं कटिंग करती हूँ बारीक बारीक, फिर आपको बताते हैं साथ जैसे हम कुकिंग करेंगे आपको बताएंगे। प्याज इसमें ऐड कर दिए, ऑयल गर्म हो गया, जैसे हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे हम ऐड करेंगे इसके अंदर जो मसाला लगा के रखा है। कर देंगे इसमें गर्दने, देखिए हमारे प्याज हो रहे हैं अच्छे से। अब मैं इसके अंदर ऐड करी सब्ज मिर्ची, मैंने 4 कटिंग की थी वो ऐड कर दूंगी इसमें। इसको अच्छे से हम भून लेंगे और हमारे प्याज भी और भी ब्राउन हो जाएंगे अच्छे से। देखिए मिर्ची भी हो जाएंगी साथ में और प्याज भी।
देखिए हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए, मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी जो हमारे प्याज जल ना जाए। ओके अभी मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अब ऐड करेंगे हम इसके अंदर गर्दने, इसको मैंने मसाला लगा के रखा था। बिस्मिल्लाह ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाह देखिए देने से में गर्दने ऐड कर देंगे, इसको इतना भूनेंगे जो हमारी गर्दने भी अच्छे से इसमें पक जाए, ये कुक हो जाए बहुत अच्छे से। देखिए अभी मैंने सब इसमें ऐड करके और आपको दिखाती हूँ, मैंने सब ऐड कर दी इसमें, इसको अच्छे से भून लेंगे हम। बिस्मिल्लाह इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह और जिसमें मैंने मसाला किया था उसमें थोड़ा सा मैंने आधा कप जितना पानी ऐड किया, उसको अगार उसको अच्छे से करके पानी उसमें ऐड कर देंगे। फिर पहले इसको हम अच्छे से भूनने देंगे इसमें प्याजों में, इसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए मैंने इसके अंदर आधा कप जितना पानी ऐड किया तो ऐड कर देंगे हम इसमें और इसको भी हम कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाह मान देंगे, इसको भी हम कवर कर देंगे। देखिए अभी सालन चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह देखिए बहुत अच्छा सा इसमें बॉयल आ गया। बिस्मिल्लाह मान देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए इसमें कितना पानी हो गया, इसका सभी पानी हम अच्छे से खुश कर लेंगे। हमारी ये जिसमें जो गर्दन है ये भी अच्छे से पक जाएगी, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम कवर कर देंगे वापस। देखिए अभी सालन चेक करेंगे अपने, माशाल्लाह अच्छा सा पक रहा है और इसमें पानी भी देखिए खुश्क हो रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अभी सालन चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छा सा सभी इसका पानी ड्राई हो गया, इसको हम भून लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए इसको अच्छे से भून के उसके बाद मैं एक गिलास जितना पानी ऐड करूँगी, इसमें थोड़ा सा शोरबा बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा भून दिए। देखिए अभी हम इसको कवर नहीं करेंगे, अभी हम इसको ऐसे भूनेंगे, इसका बहुत सभी पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। देखिए ग्रेवी सा बन गया मसाला, देखिए देखिए इसको हम ऐसे, देखिए मैंने इसको भून लिया बहुत अच्छे से और मैं इसके अंदर अभी एक गिलास इतना पानी ऐड करती हूँ, इसके अंदर हम थोड़ा सा शोरबा बनाएंगे। देखिए हमने इसको अच्छे से भून लिया, देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से ही बुनाई होगी इसकी। अभी मैं देखिए एक गिलास इतना इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, इसको हम शोरबा बनाएंगे इसमें। देखिए इसको मैं सब मिक्स करके हमें अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया, इसको भी हम कवर कर देंगे, उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इसमें जैसे बॉयल आ जाएगा अच्छे से, माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई, इसको भी हम कवर। देखिए इससे बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया, ये सालन हमारा बन के रेडी हो गया और हम इसको खुला बंद कर देंगे, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह अच्छा सा बन गया, डिश आउट कर लिया, तो माशाल्लाह हमारी चिकन गर्दनों का सालन बहुत अच्छा सा बन गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी अच्छी लगी होगी मेरी रेसिपी। जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो बहुत जल्द मिल जाए। इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।